नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूँ हिमाग्नी मोजा और मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ इजराइल फिलिस्तीन के चल रहे युद्ध की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। दर्शकों, हम सब जानते हैं कैसे 7 अक्टूबर के दिन हमास द्वारा इसराइल पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से 1400 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 220 लोगों को हमास ने जो है वो बंधक बना लिया। उसके बाद इसराइल ने भी करारा जवाब देते हुए गाजा पट्टी को नेस्तो नाबूद कर दिया, कभी एयर स्ट्राइक के जरिए तो कभी जमीनी स्तर पे। वो अभी भी लगातार गाजा पट्टी में हमले करवा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है वो। बात करें इजरायली सेना की कार्रवाई की, तो इजरायली सेना जब गाजा पट्टी पे कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, तब उन्होंने वहां के नागरिकों को उसी वक्त चेतावनी दे दी थी कि वो दक्षिण गाजा में चले जाए। दरअसल इस वक्त गाजा जो है वो दो गुटों में बटा हुआ है। एक तो है दक्षिणी गाजा, जहां पे जो इसराइल है वो मानवीय सहायता पहुंचा रहा है, हर समर्थन कर रहा है, और एक है उत्तरी गाजा, जहां पे इजरायली सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि माना ऐसा जाता है यही वो गढ़ है जहां से हमस के कमांडर्स सब कंट्रोल करते हैं। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था UNRWA ने कहा है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 22 लाख फिलिस्तीनियों में से 15 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं, और इस वक्त वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA के द्वारा बनाए गए 150 से भी ज्यादा शरणार्थी शिविरों में शरण ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि गाजा में अभी भी ब्लैकआउट है। वहीं बात करें इसराइल की और भारत की संबंधों की, तो इसराइल ने भारत से 8 लाख जो भारतीय श्रमिक है उनकी मांग की है, क्योंकि जब हमास ने वहां पे हमला किया था तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनका वहां पे काफी कमी हो गई है वर्कर्स की, क्योंकि फिलिस्तीनी वर्कर्स को उन्होंने उसी वक्त छुट्टी दे दी जब इसराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया, उनका वर्क परमिट वहीं पे रोक दिया था। अब इसराइल ने इस समस्या को देखते हुए, क्योंकि वहां पे अब श्रमिकों की मांग बहुत बढ़ गई है खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इस मांग को देखते हुए उन्होंने भारत से अपील की है कि वो अपने 1 लाख भारत के वर्कर्स को इसराइल भेज दे। बातचीत चल रही है, अब देखते हैं कि ये जो रुख है ये कहां जाता है। इसी अपडेट के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत, युद्ध की ऐसी ही अपडेट्स के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।